हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे ईमेल किया और कुछ लोग जो मुझे पर्सनली जानते थे उन्होंने भी मुझसे बोला, कह रहे यार जो भी वीडियो बनाता है हीथरो एयरपोर्ट को लेके वो बस बताते हैं कि कैसे इमिग्रेशन से सामान लेकर आप बाहर निकले और फिर आप डेस्टिनेशन पे जाते हैं, बट कोई ये भी नहीं बताता कि आप बस लें या टैक्सी लें और बस और टैक्सी आपको कहाँ से मिलेगा हीथरो एयरपोर्ट से। आज की जो वीडियो में हम दो सेक्शन पे बात करेंगे। जो पहला सेक्शन होगा उसमें हम देखेंगे कि बस और टैक्सी आपको कहाँ से मिलेगा जब आप अराइवल पे आते हैं, टर्मिनल 2 या टर्मिनल 3 पे जब आप आते हैं। दूसरा सेक्शन है उसमें हम बात करेंगे कि एयरपोर्ट से, हीथरो एयरपोर्ट से अगर आपको लंदन में ही कहीं जाना है या यूके के किसी और सिटी में जाना है, लाइक बर्मिंघम में जाना है, मैनचेस्टर में जाना है, एडनब्रा में जाना है, तो उस केस में आप बस लेंगे या कैब लेंगे, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको कौन सा लेना बेटर होगा, तो इस बारे में भी आपसे टॉपिक करेंगे। तो ये सेक्शन 2 में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहला सेक्शन देखते हैं। जैसे ही आप अराइवल से बाहर आएंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे साइन बोर्ड दिखेंगे, ठीक है। उस पे लिखा रहेगा कि आपको एग्जिट की तरफ घूम ले जाएगा, और एग्जिट के पास जो साइन बोर्ड रहेगा उस पे आपको दिया रहेगा कि कौन से फ्लोर पे आपको कार पार्किंग है, कौन से फ्लोर पे आपको टैक्सी मिलेगा या कौन से फ्लोर से आपको बस मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ही आप अराइवल से बाहर आएंगे, अभी लाइक टर्मिनल 2 का मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, तो टर्मिनल 2 से जैसे ही आप अराइवल से बाहर आएंगे तो आपको एक थोड़ा सा आगे पे एक लिफ्ट दिखेगा, और वो लिफ्ट आपको 4-5 फ्लोर है वहाँ पे ले जाएगा। तो आप जनरली फर्स्ट फ्लोर पे आप अराइवल से जैसे बाहर निकलते हैं तो लिफ्ट क्या फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ से अगर आप जब ग्राउंड फ्लोर पे जाएंगे, 0 फ्लोर पे जाएंगे, तो वहाँ से आपको बसेस मिलती है, और हीथरो सेंट्रल बस स्टेशन वहीं पे है। जैसे आप लिफ्ट से बाहर निकलेंगे आपको 2-3 एग्जिट दिखेगा और वहाँ से आपको सेंट्रल बस स्टेशन दिखेगा, ठीक है। उस सेंट्रल बस स्टेशन से आप लोकल बसेस भी ले सकते हैं, लंदन में जहाँ भी जाना हो आप वहाँ बस ले सकते हैं। उसके अलावा आपको नेशनल एक्सप्रेस की बसेस मिलेंगी, मेगा बस भी वहाँ से आपको मिल सकता है, स्टॉप 9 से आई गेस मिलता है। प्राइवेट टैक्सी जैसे उबर हो गया, उबर आपको जनरली 4th फ्लोर पे रहता है। टर्मिनल 2 पे अगर आप बाहर निकलेंगे तो 4th फ्लोर पे आपको उबर मिलेगा, तो वहाँ पे आप उबर जैसे ही लिफ्ट से ऊपर जाएंगे 4th लेवल पे, और वहाँ पे आप जाके वेट करेंगे, और वहाँ पे भी उबर का जब आप बुकिंग करेंगे तो उसमें ABCDH इस तरह दिया रहता है। तो जनरली अगर H दिया है तो आप H रो के पास जाके वह ऊपर जाएं, लिफ्ट से बाहर निकले और H रो के पास जाके आप अपना इंतजार करें, वहाँ पे आपका उबर कैब आएगा और आपको लेकर जाएगा। सेकेंड या फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको कुछ टैक्सी, प्राइवेट टैक्सी मिल सकते हैं, तो उसका आपको डिटेल्स जो है जैसे आप अराइवल से बाहर निकलते हैं वहीं पे उनका डेस्क लगा रहता है, आप उनसे भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह पहला सेक्शन हुआ। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो से दिखाता हूँ कि कैसे आप लिफ्ट में जाते हैं और लिफ्ट से कैसे आप, लिफ्ट के अंदर भी आपको साइन बोर्ड दिखे रहेंगे कि 4th फ्लोर पे क्या है, 1st फ्लोर पे क्या है, तो उसको आप देख के आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं और वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक छोटा सा वीडियो देखें। जब आप अराइवल से बाहर जाते हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे साइन बोर्ड दिखेंगे, तो आप इसको काफ़ी ध्यान से देखें, वहाँ पे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। अभी हम लिफ्ट के पास जा रहे हैं, ये लिफ्ट आपको राइट साइड में भी दिख रहा है स्क्रीन पे, और यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस भी दिख रहे हैं कि कौन सा फ्लोर आपको बसेस के लिए और कौन सा फ्लोर टैक्सी के लिए और कौन सा कैब पार्किंग के लिए है। तो इस साइन बोर्ड को आप ध्यान से देखें, स्क्रीन पे इसमें बता रहा है कि जो ग्राउंड फ्लोर है वो बसेस के लिए और टॉप 5th फ्लोर जो है वो डिपार्चर के लिए है, ठीक है। और अभी हम उबर का ये जो लोकेशन है, अभी हम 4th लेवल पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम उबर कैब हमें मिलेगा और उबर कैब के थ्रू अपने डेस्टिनेशन पे जाएंगे। ओके, तो दूसरा जो सेक्शन है ये कॉस्ट इफेक्टिव की बात होती है। जब आप हीथरो एयरपोर्ट पे आओगे और वहाँ से आपको कहीं भी जाना होगा, जैसे आपको लंदन में जाना है तो लंदन की किसी भी जगह पे जाना है तो आपको, आप पहली बार जब आते हैं तो आप टैक्सी लेंगे या बस लेंगे, कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव होगा इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। या अगर आप लंदन से किसी दूसरे इंटरसिटी जाना होता है, आप लंदन हीथरो पे आप आते हैं और उसके बाद आपको मान लो बर्मिंघम जाना है, मैनचेस्टर जाना है, और फिर आप अगर वहाँ से पहली बार आते हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा लगेज होते हैं, अगर आप 2 लोग आते हैं तो आपके पास जनरली 4 लार्ज ट्रॉली होता है, 2-3 छोटे ट्रॉली होते हैं, बैग होता है, तो उस केस में अगर आप उबर कैब लेते हो तो जस्ट एग्जांपल में अगर बर्मिंघम आप आते हो लंदन से तो आपको जनरली 150 पाउंड लगेगा छोटे कैब का, जिसमें 2 बड़े एक ट्रॉली आ सकते हैं। अगर आपको 4 बड़ा बड़ा ट्रॉली बैग लाना है तो आपको लिए बड़ा वाला एक्सेल करना पड़ता है उबर का, ठीक है, तो उसमें आपको 350 पाउंड लग सकता है, मतलब अगर इंडियन रुपीज़ में देखो तो अराउंड 35,000 रुपीज़ लग सकता है लंदन हीथरो एयरपोर्ट से बर्मिंघम आने का। तो उसका एक बेस्ट उपाय है कि आप यहाँ की जो बसेस हैं, इंटरसिटी जो बसेस हैं, नेशनल एक्सप्रेस की बसेस हैं, मेगा बसेस हैं, उनसे आप आ सकते हैं। वो हार्डली आपको 10-12 पाउंड में हीथरो एयरपोर्ट से आपको बर्मिंघम पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी मैं एक डेमो दे रहा हूँ, आगे के वीडियो में मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ कि अगर आप
ऊबर प्राइस एस्टिमेटर से अगर प्राइस को कंपेयर करोगे, अगर लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट से किसी और इंटरसिटी जाने के लिए, तो प्राइस कंपेरेटर जो ऊबर का है उसमें कितना प्राइस दिखाता है, और अगर आप सेम चीज़ अगर सेम ट्रेवल अगर आप बस से करते हो तो उसमें आपको कितना कॉस्ट लगता है। मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल एक्सप्रेस की बसेस होती हैं उसमें एक लार्ज ट्रॉली अलाउड होता है और छोटे एक दो बैग आप ले जा सकते हैं। तो अगर मान लो आप दो लोग आते हो और आपके पास चार बड़े ट्रॉली हैं, तो दो ट्रॉली तो आपको ऑलरेडी अलाउड हो जाएगा लार्ज वाला, और टू और लार्ज ट्रॉली आप वहाँ पे एक्स्ट्रा ले सकते हैं जब आप टिकट बुक कर रहे होते हैं। तो पर बैग का जनरली 5 to 8 pounds लगता है, ठीक है, तो फिर भी काफ़ी आपको चीप पड़ेगा बस से आना। तो इसका मैं एक डेमो दिखाता हूँ, प्राइस कंपेयर करता हूँ टैक्सी का कितना लगता है और बस का कितना लगता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको डेमो से दिखाते हैं कि कौन सा इफ़ेक्टिव है, इकोनॉमिकल है हीथ्रो एयरपोर्ट से बर्मिंघम या लंदन की किसी जगह पे जाना। तो अगर आपको लंदन में ट्रैवल करना है तो आपके लिए कैब ज़्यादा कन्वीनियंट होगा और वह ज़्यादा कॉस्टली नहीं आएगा। जनरली आपको 15-20-30 pounds तक में आपको कैब मिल जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ ऊबर एस्टिमेटर ओपन किया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे छोटे कैब का कॉस्ट 170 pounds और बड़े कैब का यहाँ पे फिलहाल तो 206 दिखा रहा है, बट ये 350 pounds तक जाता है, मतलब इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 35,000, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर सेम चीज़ को अगर आप बस से देखते हो तो यहाँ की बस जो सर्विस है जनरली नेशनल एक्सप्रेस है और बहुत सारी है जैसे मेगा बस है एंड ऑल, बट नेशनल एक्सप्रेस मैं एक प्राइस कंपेयर करता हूँ अगर हीथ्रो एयरपोर्ट से बर्मिंघम का, तो आप देखेंगे कि जनरली ये 19-18 pounds के आसपास में आपको मिल जाता है पर पर्सन। और एक बस में पर पर्सन एक लार्ज ट्रॉली बैग, छोटा ट्रॉली बैग, एक हैंड बैग आप अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा ट्रॉली बैग है तो आप उसको बुकिंग करते समय टिकट आप उसको मेंशन कर दे और 5-8 pounds आपको एक्स्ट्रा लगता है, ठीक है। तो ये बस का कॉस्ट हुआ। आप यहाँ ट्रेन और बस दोनों आप साथ में यहाँ पे देख सकते हैं, तो वो ट्रेन लाइन ऐप पे देख सकते हैं। इन सब ऐप का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप जाकर उसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ट्रेन का कॉस्ट आप देखेंगे यहाँ पे 68 pounds, 60 pounds आ रहा है, तो ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। और बस जो होता है आपको ये 18 pounds में आपको बस मिलेगा, देखें 18 pounds, 19 pounds में आपको बस मिलता है, तो बस काफ़ी चीपर होगा। तो ये इस तरह से मैंने आपको कंपेयर करके दिखाया कि कैसे बस जो है यूके के किसी दूसरे सिटी में अगर आप हीथ्रो एयरपोर्ट से जा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली बस लेना ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। ट्रेन आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं यूके में, ठीक है। और अगर आप लंदन में स्पेशली ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कैब को कंसिडर कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट होगा। पेमेंट कैसे करें यूके आने के बाद, ये आपके दिमाग में रहता है, खासकर जब आपको हीथ्रो से बस या ट्रेन या फिर आपको कैब पकड़ना होता है। जनरली आप आते हैं तो आप कैश लेकर आते हैं या ट्रैवल कार्ड लेकर आते हैं। अगर आप कैश लेकर आते हैं वो बस के लिए तो काम कर जाता है, या किसी स्टेशन से अगर आप टिकट लेते हैं तो वहाँ पर काम कर जाएगा। लेकिन आपको अगर आपको ऊबर यूज़ करना है तो आपको अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड देना होगा। अगर आपके पास ट्रैवल कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड की तरह यहाँ पे उस डिटेल्स को इंटर करें, और उसके बाद आप अपना जो एक जगह पिन कोड मांगता है, जब डिटेल्स आप इंटर करते हैं तो उसमें आप जहाँ पे आप डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं उसका पिन कोड आप दे सकते हैं और ऊबर आपका काम करेगा। मैं आपको बता दूं कि इंडिया का जो आपका ऊबर अकाउंट है वो यहाँ पे इजीली काम करेगा, तो आपको इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उस अकाउंट में आपको यूके बेस्ड एक पेमेंट मेथड ऐड करना होगा, दैट्स ऑल। बस या तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं या आपका वाईफाई इनेबल्ड कार्ड से आप बस में जाकर अपना टिकट ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट बात जो बताई वो एयरपोर्ट से कैसे आप टैक्सी या फिर बस को जाकर ले सकते हैं हीथ्रो एयरपोर्ट से, और दूसरा जो मैंने आप बात बताया कि कौन सा इकोनॉमिकल होता है, बस लेना इकोनॉमिकल होता है या टैक्सी लेना इकोनॉमिकल होता है हीथ्रो एयरपोर्ट से, और ख़ासकर जब आप इंटर लंदन के लोकल में आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तब क्या लेना चाहिए, और अगर आप इंटरसिटी ट्रैवल करते हैं तब आपको बस लेना चाहिए या कैब लेना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस सब बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें, और आशा करते हैं कि मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपके ज़रूर किसी न किसी काम आएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड यूके या लंदन ट्रैवल कर रहा हो तो आप ज़रूर इस वीडियो को उसे सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ट्रैवल फॉर लाइफ, और अपने दोस्तों को भी इसे सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलें। अभी बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है ट्रैवल से रिलेटेड और यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा से रिलेटेड, सो आप स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माई चैनल ट्रैवल फॉर लाइफ।